आज अपने 11वीं की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अपने साइंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो क्या था, 10th तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपके एक सब्जेक्ट लगता था साइंस, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट लगता था। इस साइंस सब्जेक्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट छुपे हुए थे? इसी सब्जेक्ट में आप फिजिक्स पढ़ते थे, जिसको हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी सब्जेक्ट के अंदर आप केमिस्ट्री पढ़ते थे, जिसको आप रसायन विज्ञान कहते हैं। इसी के अंदर आप बायोलॉजी पढ़ते थे, जिसे आप जीव विज्ञान कहते हैं। और इसी के अंदर आप एग्रीकल्चर पढ़ते थे, जिसे आप कृषि विज्ञान कहते हैं। इन चार पोर्शन से मिलकर अपनी क्या बनती थी? साइंस बनती थी, ठीक है। अब जो फिजिक्स वाला पोर्शन कौन सा होता था, केमिस्ट्री वाला कौन सा होता था, बायो वाला कौन सा होता था, एग्रीकल्चर वाला कौन सा होता था, इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। जो फिजिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें क्या पढ़ते थे आप? प्रकाश क्या है, विद्युत क्या है, ठीक है, गति है, इसके बारे में पढ़ते थे, न्यूटन के नियम है, ये सब जो चीज़ें पढ़ी आपने वो किस पोर्शन में आती थी? फिजिक्स में आती थी, ठीक है। और दूसरी बात, केमिस्ट्री के अंदर वाला पोर्शन कौन सा होता था? केमिस्ट्री का पोर्शन, इसके अंदर आप लोग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ते थे, ठीक है, और आवर्त सारणी पढ़ी आपने, तत्वों को पढ़ा। ये सारे के सारे पोर्शन किसके अंदर आते हैं? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी आती है, जीव विज्ञान, इसके बारे में, इसमें आपने क्या पढ़ा? जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, हृदय और मस्तिष्क, इनके बारे में आपने पढ़ा। ये सारे के सारा पोर्शन किसके अंदर आता था? जीव विज्ञान में, ठीक है। कोशिका है, इसके बारे में पढ़ा आपने, ये सारा का सारा जीव विज्ञान में आता। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान जो पोर्शन था, इसमें क्या पढ़ते थे आप? जो खेती है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है, फसलें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये सारा का सारा जो रहता था वो कौन से पार्ट में रहता था? अपना कृषि विज्ञान में रहता था, ठीक है। तो ये चार पोर्शन से मिलकर आपकी 10th की साइंस बनी हुई थी। अब इन चार सब्जेक्ट और प्लस में एक सब्जेक्ट मैथ्स, यदि इसको मिला दिया जाए तो ये सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से संकायों में डिवाइड हो जाते हैं। अब आप प्लस वन में जो पढ़ोगे, ठीक है, जब प्लस वन में आओगे तो ये संकाय का रूप ले लेंगे, इन सब्जेक्टों का अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उन कॉम्बिनेशन के आधार पर एक संकाय का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो संकाय अपना एक बनता है इसमें साइंस, जो साइंस संकाय होता है इसके अंदर दो वर्गों में डिवाइड किया जाता है इसको, एक तो होता है नॉन मेडिकल और एक रहता है मेडिकल, ठीक है। नॉन मेडिकल के अंदर इनमें से कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है वो देख रहे हैं हम। सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर अपना मैथ्स, इन तीन सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन रहता है नॉन मेडिकल, ठीक है। फिर आता है मेडिकल, इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या रहता है? फिजिक्स होगा इसमें, केमिस्ट्री होगा और फिर अपना बायोलॉजी होगा, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बनता है। इन सब्जेक्टों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मेडिकल के अंदर, ठीक है। नॉन मेडिकल में ये तीन सब्जेक्ट और मेडिकल में ये तीन सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक संकाय तो ये हुआ, दूसरा संकाय जो है वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इसमें होगी आपकी केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी इसमें, और एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का लगेगा या कृषि विज्ञान का लगेगा। ये तीन का कॉम्बिनेशन बनकर के एक संकाय बन जाता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आपके पास इन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से एक संकाय बनता है साइंस और दूसरा बनता है एग्रीकल्चर। साइंस के अंदर दो, नॉन मेडिकल और मेडिकल, ठीक है। देखो जो प्लस वन में जब भी आप जाते हो उसमें सब्जेक्ट जब आप चूज करते हो
तो वो आपको बहुत ही सोच समझ के करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लस वन में जब भी आप जाते हो तो वो आपके फ्यूचर की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है ना। तभी आपको एक अच्छे संकाय में चूज करना होता है जो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल रहे, ठीक है। अब कई बार होता है अपने पहले ग्यारहवीं बारहवीं में गलत संकाय चुन लेते हैं और बाद में उसको ग्रेजुएशन में जाके चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो इसलिए आपको पहले ही बताया जा रहा है, ठीक है, आपको कौन से संकाय में जाना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको स्कोप बता देता हूँ। देखो जो एग्रीकल्चर है इसमें जो स्कोप है वो लिमिटेड से है, लिमिटेड स्कोप है इसका, ठीक है। इनको आप उंगलियों पर गिन सकते हो, इतने से स्कोप है, ठीक है, ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। मोस्टली प्राइवेट कंपनीज होती हैं इसमें, ठीक है। और मेडिकल है इसमें, आप जानते ही हो, ठीक है। इसमें आप क्या बनते हो, डॉक्टर और या फिर मेडिकल खोल लेते हो, ठीक है। दो चार और होंगे, इसमें भी लिमिटेड से ही अपने पास स्कोप है, ठीक है। डॉक्टर या मेडिकल लाइन में जाते हो, ठीक है, डॉक्टरी लाइन में जाओगे। इसके बाद नॉन मेडिकल आता है, इसमें जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। इनको आप टिप्स पे भी नहीं गिन सकते, ठीक है। हर फील्ड में जा सकते हो, अगर ये आपके पास कॉम्बिनेशन है तो इसकी हेल्प से आप लोग हर फील्ड में जा सकते हो, किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो ये इनमें स्कोप है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, लेकिन आपको स्कोप बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसमें आपके पास लिमिटेड स्कोप रहेंगे। आपके जो सीनियर जो हैं भाई बहन है उनसे आप पता कर सकते हो, ठीक है। और बायोलॉजी में डॉक्टर और मेडिकल लाइन में जाते हो, इसमें आप स्कोप बहुत हैं, ठीक है, किसी भी लाइन में जा सकते हो, ठीक है। सारे के सारे दरवाजे ओपन रहते हैं इसके अंदर नॉन मेडिकल, ठीक है। तो ये अपना होता है साइंस पोर्शन, ठीक है। तो साइंस डाइट के अंदर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आज अपना जो लेक्चर रहेगा वो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन का रहेगा, ठीक। समाज के अंदर हर व्यक्ति की अपनी अपनी पोजिशन होती है, ठीक है। कोई आदमी डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, ठीक है, कोई जैसे MLA है, ठीक है, कोई CM है, कोई PM है। अब सबसे ऊपर कौन है, PM है, उसका स्टेटस अलग है समाज में, ठीक है। जो टीचर है उसका स्टेटस अलग है, ठीक है, जो डॉक्टर है, वकील है, उनके स्टेटस अलग अलग है। यानी कि हर एक व्यक्ति की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। अब साइंस के फील्ड के अंदर फिजिक्स की पोजीशन क्या, ठीक है, साइंस फील्ड के अंदर फिजिक्स की पोजीशन क्या है उसको देखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मैं लिखूंगा यहाँ जो फिजिक्स की पोजीशन को डिफाइन करेगी, ठीक है। तो एक लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ। साइंस के अंदर ये बोला जाता है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, विल मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। तो लाइन क्या कहती है आपको, जो फिजिक्स है वो साइंस फील्ड की क्या है, किंग है, ठीक है, और जो मैथमेटिक्स है वो उसकी साइंस फील्ड की क्या है, क्वीन। तो आपको फिजिक्स की पोजीशन का पता चल गया होगा कि साइंस फील्ड में इसकी पोजीशन क्या है। जो अपने समाज के अंदर पोजीशन PM की होती है, ठीक है, वही पोजीशन साइंस फील्ड में किसकी है, फिजिक्स की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आज अपन। तो इसकी पोजीशन का आपको पता चल गया कि फिजिक्स क्या, ठीक है। अब इसको अपने डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे फिजिक्स की। देखो फिजिक्स जो शब्द है ये लैटिन भाषा के फ्यूसिस से बना हुआ। किस भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का शब्द है, किससे बना है, फ्यूसिस से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका अर्थ क्या होता है, नेचर होता है। फिजिक्स जो शब्द है फ्यूसिस से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति होता, ठीक है। आपने यदि डेफिनेशन की बात करें
यदि अपने फिजिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या, ठीक है, देखो फिजिक्स क्या है, प्रकृति के अंदर आप जो भी घटनाएं देखते हो, जो भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उन पर जो, उनको समझने के लिए जो भी नियम बने, ठीक है, उनको समझने के लिए जो भी नियम बने हैं वो किसके अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर। प्रकृति के अंदर समस्त घटनाओं को समझने के लिए जो नियम, जो रूल का, जिस यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो भी नियम बने हुए हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी नेचर के इवेंट्स हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए आप जो भी नियम बने हुए हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे, फिजिक्स के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अर्थ का सन के अराउंड घूमना, इसके पीछे का कारण फिजिक्स बताती है। या एक डेफिनेशन के तौर पर एक बहुत ही अच्छा आपको बताता हूँ मैं, WH वर्ड हैं दो, ठीक है। आप प्रकृति के अंदर कुछ भी देखते हो, नेचर के अंदर आप कुछ भी देखते हो, और वो देखने के बाद जो भी हो रहा उसको देखने के बाद आपके माइंड में दो WH वर्ड आएंगे, वाई एंड हाउ। दो WH वर्ड आएंगे, वाई एंड हाउ। इस वाई एंड हाउ का जो आंसर होगा वो कौन देगा आपको, फिजिक्स देगी। प्रकृति में जो भी घटना घट रही है, ठीक है, उसका वाई एंड हाउ का जो आंसर देता है वो कौन देता है, फिजिक्स देता है। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, सन के अराउंड अर्थ का घूमना, वो क्या है, फिजिक्स के अंदर आता, ठीक है। और तारों का टिमटिमाना अपने पढ़ते हैं, ठीक है, और किसी भी कार का चलना, ठीक है, मेरी आवाज़ का आप तक पहुंचना, ठीक है, ये जितनी भी घटनाएं हैं, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, ये सारे के सारे कौन बताता है, फिजिक्स बताता है, ठीक है। तो ये तो है फिजिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, कि प्रकृति के अंदर जितने भी प्रकृति को समझने के लिए नियम बने हुए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है। जितने भी नियम बने हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है, फिजिक्स के, यानी कि नेचर को समझना आपको, ठीक है। तो ये है अपनी फिजिक्स। इसके अंदर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पर अपने फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके पास जिसके आधार पर आप फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हो, ठीक है, वो क्या है, नंबर एक है यूनिफिकेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो एकीकरण, ठीक है। दूसरा जो है वो है रिडक्शनिज्म, जिसको आप बोलते हो न्यूनीकरण, ठीक है। यूनिफिकेशन क्या होता है, देखो फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो इन दोनों में से एक रूल लगाना, ठीक है, इनको मेनली लेके चलना। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि फिजिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं को अपने एक ही नियम से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं को एक ही नियम से समझाने का, यानी कि कम से कम एक ही नियम से समझाने का प्रयास करते हैं, इसी को अपने क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं या एकीकरण कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लें अपने, गुरुत्वाकर्षण, अब गुरुत्वाकर्षण से आप कितनी घटनाओं को समझा रहे हैं, जैसे अर्थ का सन के अराउंड घूमना, ठीक है, चक्कर लगाना, और दूसरा किसी वस्तु का स्वतंत्रता पूर्वक गिरना, ठीक है, सरल आवर्त गति, जैसे पेंडुलम की गति होती है, ये सारे के सारे अपने किसे समझाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम से,
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी घटनाएं हैं वो एक ही नियम से समझा दो आप, गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, यूनिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, हिंदी में जिसको आप बोलते हो न्यूनीकरण। मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई, कोई भी जटिल प्रॉब्लम है फिजिक्स की, ठीक है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करो, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करने के अपने क्या तरीका है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको अच्छे से समझेंगे। इसी प्रक्रिया को अपने बोलते हैं रिडक्शनिज्म या न्यूनीकरण, ठीक है। यूनिफिकेशन तो क्या होता है कि बहुत सारी इवेंट को अपने एक ही नियम से समझ लिया, बहुत सारी घटनाओं को आपने एक ही नियम से समझ लिया, तो ये तो इसका क्या होगा, एकीकरण होगा, ठीक है। और दूसरा जो नियम है वो है अपना न्यूनीकरण या रिडक्शनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कोई, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने समझते हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, न्यूनीकरण होता है। जैसे मान लो आप जनरेटर पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल ले अपने, आप जनरेटर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको पूरे जनरेटर को कैसे पढ़ोगे कि वो कैसे वर्क करता है, आप उसके इंटरनल जो भी पार्ट है उसको अलग अलग करके पढ़ोगे कि उसमें मैग्नेट होता है, उसमें आर्मेचर होता है, उसमें ब्रश लगे होते हैं, ठीक है, इन सभी को आप लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ोगे, जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, फिर आपको पूरे मैकेनिज्म के बारे में, उसके बारे में आपको समझ आएगा, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी कि जनरेटर है अपने पास, उसको कैसे समझना आप, तो उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्रत्येक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको सॉल्यूशन तक पहुंच दिया, ठीक है। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिनको अपने फिजिक्स में फॉलो करना है, ठीक है, यूनिफिकेशन और रिडक्शन है, ठीक है, समझाया आपको। यूनिफिकेशन यानी कि एक ही नियम के द्वारा अपने बहुत सारी घटनाओं को समझा देते हैं। रिडक्शनिज्म का मतलब हुआ कि अगर आपके पास जटिल या कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपने पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो ये अपने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। इसके बाद अपने देखते हैं स्कोप इन फिजिक्स। देखो आपने 10वीं तक जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो चीज़ें आपको यहाँ 11वीं और 12वीं फिजिक्स पढ़ने में हेल्पफुल होंगी। रियल जो फिजिक्स स्टार्ट होगी आपकी वो सिर्फ 11वीं क्लास में होगी। 11वीं क्लास में आप फिजिक्स पढ़ोगे रियल, ठीक है। जो भी आपने 10th तक पढ़ा है वो आपको 11वीं में पढ़ने, जो भी आप पढ़ोगे उसको हेल्प करेगा, ठीक है। रियल जो फिजिक्स पढ़ने वाले वो 11th क्लास में स्टार्ट हो रही है आप, ठीक है, जीरो लेवल्स, ठीक है, जीरो लेवल से फिजिक्स स्टार्ट हो गई आप। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने स्कोप इन फिजिक्स। फिजिक्स का कार्य क्षेत्र, ठीक है, फिजिक्स का जो है कार्य क्षेत्र क्या है, या भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, का कार्य क्षेत्र, ये टॉपिक्स आपके फर्स्ट लेसन के अंदर है, ठीक है, अपने फर्स्ट लेसन ही कर रहे हैं इसका, फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, ये आपका 11वीं क्लास का फर्स्ट लेसन ही है, इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के बारे में, ठीक है, वही चल रहा है। तो आपके एक टॉपिक है स्कोप इन फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है। इसके अंदर आपको क्या बताया जाता है, जो भी आप 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हो, जो भी टॉपिक आप 11वीं क्लास में फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो, उसका एक आपको ओवरव्यू दिया जाता है, ठीक है, एक आपको ओवरव्यू दिया जाता है कि आप ये चीज़ें 11वीं 12वीं में पढ़ोगे, या ये कहो आपके आपको पूरा सिलेबस बताया जाता है इसमें कि 11वीं 12वीं आप क्या पढ़ने वाले हो, या आपने ये कहे कि फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने, देखो फिजिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, ठीक है, एक तो है क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा जो पार्ट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब जानते हो आप लोग, पुरानी फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल सॉन्ग होते हैं जैसे, ठीक है, उसी प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स है। यह है मॉडर्न फिजिक्स जो आज की फिजिक्स है, ठीक है, या उन ब्रांचेस के बारे में बात की जाएगी, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, या इसको मैक्रो फिजिक्स बोलते हैं, मैक्रो, और इसको माइक्रो बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ बड़ी बड़ी जो वस्तुएं होंगी या पदार्थ होंगे उनके बारे में बात होगी। ठीक है, यहाँ माइक्रो जो सूक्ष्म कण होंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उनकी बात होगी। ठीक है, तो दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया इसको। जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके अंदर जो ब्रांचेस आती हैं वो क्या है, सबसे पहले आ गई मैकेनिक्स। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपके मैकेनिक्स, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, फिर आएगी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच आएगी ये भी आप 11th क्लास में पढ़ोगे। फिर आएगी इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। फिर आएगी अपनी ऑप्टिक्स, ये भी आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इसके अंदर बाद में बात करते हैं अपने। सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स के अंदर देखो आप मैकेनिक्स, इसको आप हिंदी में यांत्रिकी बोलते हो। थर्मोडायनेमिक्स ये होती है ऊष्मा गति की। ये विद्युत चुंबकता, और ये होती है प्रकाश की। ठीक है, तो ये इतनी ब्रांचेज आती हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। अब मैकेनिक्स के अंदर आपको मैं आइडिया देता हूँ आप लोग क्या पढ़ोगे। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्शन है 11वीं के अंदर मैकेनिक्स का। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, जैसे फोर्सेस हैं, बल के बारे में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, गति के बारे में पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे। न्यूटन के गति के जो भी नियम हैं वो आप किसे पढ़ते हो, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, और वेव, तरंग के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, तरंगों के बारे में पढ़ोगे, और फिर दोलन गति के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, और मैकेनिक्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में आप इसके अंदर पढ़ोगे। फिर आप इसमें क्या पढ़ोगे, कार्य पढ़ोगे, ऊर्जा पढ़ोगे, और शक्ति के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ने वाले हो, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो। तो ये मैकेनिक्स का आपका सिलेबस है। ठीक है, कि फोर्स क्या है उसके बारे में पढ़ते हो आप, मोशन है, विकार है वो किस प्रकार से चल रही है, कोई पार्टिकल है किस प्रकार से नीचे गिर रहा। ठीक है, इन सब के बारे में आप किसके अंदर पढ़ते हो, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हो। और आप इसमें पढ़ते हो रिजिड बॉडी के बारे में, रिजिड बॉडी, या जिसको आप दृढ़ पिंड बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग किसके अंदर पढ़ते हो, मैकेनिक्स में पढ़ोगे। फिर थर्मोडायनेमिक्स आता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या कुछ पढ़ते हो आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ेंगे अपने, इसमें हीट के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में। ठीक है, ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ोगे, और आप इसमें पढ़ोगे रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो आपकी फ्रिज होती है, और आप पढ़ोगे इसमें हीट इंजन के बारे में। ठीक है, हीट इंजन किस प्रकार से वर्क करता है, जैसे पहले जो ट्रेनें थी वो कैसी चलती थी, कोयले से चलती थी, वो क्या होते थे, हीट इंजन होते थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, यानी कि एक जनरली इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपको भी 11वीं 12वीं के अंदर आपका पढ़ने वाले। ठीक है, फिर अपने पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, इसके अंदर आप चार्ज के बारे में पढ़ते हो, यानी कि आवेश क्या है उसके बारे में पढ़ते हो आप। ठीक है, धारा क्या है
या विद्युत धारा जिसको आप बोलते हो उसके बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। और अपने पास क्या आता है, एसी करंट क्या होता है, ठीक है, डीसी करंट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ोगे आप लोग। जनरेटर क्या है, ठीक है, जनरेटर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, इन सब के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। विद्युत मोटर क्या है, इसके बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर डिस्कस करते हैं आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर करते हैं। और चुंबकत्व के बारे में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। फैराडे के नियम क्या होते हैं ये पढ़ोगे आप, लेंज का नियम क्या होता है इनके बारे में पढ़ोगे, यानी कि विद्युत से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, इसमें आएंगी, ठीक है। फिर लास्ट बात आती है ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ते हो आप, ऑप्टिक्स के अंदर आप पढ़ोगे कि मिरर क्या होता है, ये टेंथ में आपके लेसन भी था प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश के बारे में। मिरर क्या होता है, इसमें आप पढ़ोगे कि लेंस क्या होता है, ठीक है, और क्या पढ़ोगे इसमें, टेलीस्कोप क्या होता है, और क्या पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप किसके अंदर पढ़ते हो, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ो, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है अपने ऑप्टिक्स पार्ट का जो आप 12th क्लास में पढ़ो, ठीक है। ये था अपना क्लासिकल फिजिक्स। इसके बाद अपने पास आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या पढ़ते हो आप लोग, ये भी पोर्शन आपका 12th के अंदर आएगा, ठीक है। ये तीन पोर्शन 12th के हैं, ये दो पोर्शन किसके हैं, 11th, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स जो है इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे, इसके अंदर आप पढ़ोगे एटॉमिक फिजिक्स, एटॉम के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, और नाभिक के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे, अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग किसमें पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा फिजिक्स के अंदर, ठीक है, कल अपने नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।